हमारे पास बड़े ईद पे बकरी भी लेके भाई है। यहाँ पे मंडी लगी हुई है बकरे और ये बैल वगैरह की। बैल तो एक ही नज़र आ रहा है लेकिन बकरे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो नाज़रीन अभी मोटरवे पे हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह 8 से 9 बजे तक हम अपने गाँव पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में हम जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। सादकाबाद में किसी बंदे को करीब की मंडी की ज़रूरत, ये व्यापारी बैठे हैं आके आप सस्ता सस्ता बकरा ले जाएं। सस्ता तो नहीं है, जब लेकर आया था तो कितनी बुरी हालत थी, गाड़ी बिल्कुल चमका दी है। उस्मान भी आए हैं मेरे से चाबी लेने और अभी गाड़ी को नीचे खड़ा करके उसको खुशक करेंगे। गाड़ी हमारी धुल गई है करके यहाँ पे ये सौदा हो रहा है बकरों का और उस बकरे को मस्ती चढ़ी हुई है। ये हाँ भी बड़ी मेहनत से मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी सवारी खड़ी है, गाड़ी में जल्दी साफ करें। ये देखें जी पम्प में जहाँ पे मैंने गाड़ी वाश करवाई है, यहाँ पे मंडी लगी हुई है बकरे और ये बैल वगैरह की। बैल तो एक ही नज़र आ रहा है लेकिन बकरे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। तो अगर सादकाबाद में किसी बंदे को करीब की मंडी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे जो चौक पे पंप है शेल पंप, उसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंडी है और ये व्यापारी बैठे हैं आके आप सस्ता सस्ता बकरा ले जाएं। सस्ता तो नहीं है इस दफ़ा, एक दफ़ा समझा। हमारे पास बड़े ईद पे बकरी भी लेके आते हैं कैमरा उस साइड पे। ये आपके बकरे हैं? ये आपके बकरे हैं? नहीं बस मालिकों के। हाँ। मालिक लेके आते हैं बस, हमारा लड़के वो बैठते हैं, बकरी भी है ओन बकरी भी है और सर्वस का काम भी करते हैं तो सही से काम हो जाएगा। और ये पठान है और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी गाड़ी को जल्दी आपने वाश करना है जी। जब लेकर आया था तो कितनी बुरी हालत थी, गाड़ी बिल्कुल चमका दी है इन्होंने। अभी ये डीजल मार रहे हैं खान भाई। शायद मुझे ये आवाज तालिब हुसैन तक नाज़रीन। एक घंटा सफ़र करने के बाद हम एक जगह पे रुके थे और यहाँ से हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी यहाँ से हमने लिया और उसके बाद यहाँ पे पानी वगैरह पी के हम फिर दोबारा अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। कितनी एवरेज दे रही वाला टूल प्लाजा है और अब यहाँ से हम नीचे उतरे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम एक होटल पे रुके हैं चाय पीने के लिए। गाड़ी अभी पार की है मैंने तो ये दोस्त मेरे साथ हैं आज, ये एक छोटा नेवी की टेस्ट देने आए थे
ये भाई इधर ही होते हैं और ये भी जॉब करते हैं। तो अभी हमने रेस्ट किया है, चाय शाय मंगाते हैं। नाज़रीन, रात का टाइम हो चुका है, तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और मैं 5 बजे निकला था पिंडी से। तो आप देख सकते हैं कि जो रोड की हालत है, इस रोड की हालत की वजह से मैं 6 घंटे लगा के अपने घर पहुंचने वाला हूं, खैर खैरियत से, शुक्र अल्लाह का। तो आप सब लोगों की दुआ से मैं आज खैर खैरियत से पहुँच गया। गाइस, अभी घर में पहुंचने वाला हूं। रोड बड़ा ख़राब है, रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और आप रोड की हालत देखें, ये देखिए।